करते हुए कवि एवं शायर अजय सक्सेना दे रहे हैं लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए समझाइश। आदाब दोस्तों, मुखातिब हूँ आपके लिए आज एक बार फिर, और आज का टॉपिक जो है वो मास्क है। अभी कोरोना सेकेंड स्ट्रेन चल रहा है और जब तक वैक्सीनेशन सबका नहीं हो जा रहा जब तक मास्क लगाना ही एक कारगर उपाय है। और अभी कुछ गाइडलाइंस आ रही हैं उसमें तो ये भी रिकमेंड किया गया है कि घर में भी मास्क लगा के रहना चाहिए। तो ये मित्रों, ये दोस्तों, ये जो मास्क है इसकी जर्नी काफ़ी पुरानी है एक्चुअली। कभी धूप से बचने के लिए, कभी प्रदूषण के लिए मास्क का प्रयोग जो है टाइम टाइम पर होता गया है। 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ प्लेग सबसे पहले यूरोप में फैलना शुरू हुआ था। तो उस टाइम 1347 से 1351 के बीच इस बीमारी से यहाँ करीब करीब 2.5 लाख मृत्यु हुई थी। इसके बाद यहाँ डॉक्टर खास मेडिकल मास्क का इस्तेमाल करने लगे। इसी प्रकार से दोस्तों 1665 में आए ग्रेट प्लेग के दौरान मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर वही भी उस टाइम से ये मास्क पहन रहे थे और मास्क चलन में आया था। और उस टाइम भी ये पीपीई किट जो भी चल रही हैं वो भी रहा करती थी, जो कारगर हैं कोरोना को रोकने के लिए। तो जब तक दोस्तों मास्क नहीं आ जाता है, मास्क से कोई निजात नहीं मिल रहा, वैक्सीनेशन नहीं आ जाता है प्रॉपर, और जब तक आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होता दोनों डोज, तो आप लोग जब तक मास्क लगा के रखिए और जब तक जान है जब तक ही जहान है दोस्तों, तो मास्क आप लगा के रखिए। मेरी तो आज यही गुजारिश है आप लोगों से। और मास्क के लिए आपके लिए मैं दो शब्द कहूँगा। और ये मास्क जो होता है इसको नकाब भी कहते हैं, ये एक छोटा सा नकाब भी होता है एक तरीके से, और इसको मास्क भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप हमेशा चाहे बाहर हों चाहे घर में मास्क ज़रूर लगा के रखिए कुछ इस तरीके से। और मास्क आप लगाएंगे तो आपकी सुरक्षा जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, और आपको एक मास्क जो होता है वो एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो दोस्तों आज एक गुजारिश है, इल्तिजा है आपसे, इल्तिजा है आपसे, एक नकाब लगाते हुए चलें, इल्तिजा है आपसे, एक नकाब लगाते हुए चलें, खुफिया लहर चल रही है, खुफिया लहर चल रही है, जिंदगी बचाते चले, खुफिया लहर चल रही है, जिंदगी बचाते चले, इल्तिजा है ये आपसे, एक नकाब लगाते हुए चले, खुफिया लहर चल रही है, जिंदगी बचाते चले। तो दोस्तों जैसे जैसे आपका टीके के लिए वैक्सीनेशन के लिए नंबर आता जा रहा है, आप अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पे एक आइडेंटिटी कार्ड लेते हुए और वहाँ पे अपना प्रॉपर दोनों डोज वैक्सीनेशन लीजिए, और कोरोना से आप तभी दोस्तों जंग लड़ पाएंगे, क्योंकि ये जंग जारी है दोस्तों अभी, और आता रहूँगा, मुखातिब होता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, स्टे सेफ, वियर मास्क, डू सैनिटाइजेशन, मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस, एंड सिंस वायरस सीम्स टू बी इन द एयर, अपना ध्यान रखें आप लोग जब तक। और दोस्तों आता रहूँगा इस तरीके की पेशकश लेके आपके लिए, मानवता के लिए। आदाब दोस्तों।